जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं समय बता दें कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में हूं। आपको बता दें कि निर्विरोध चुनाव जीत कर MLC का आया है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष पहले थे सुभाषपुर में, अभी पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिच्छेलाल राजभर जी। तो राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। आपको भरोसा था कि ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा पद दिला देंगे? हमको तो भरोसा माननीय ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भरोसा था। आज लगातार 21 साल से पार्टी की सेवा में हमारे तमाम प्रधान, BDC, जिला पंचायत बने। हमने साथियों का देखिए, शुरुआती दौर के ये दारा राजभर हैं, इधर हमारे प्रधान नथनपुरा हैं, तमाम हमारे साथी प्रधान BDC हुए। निरंतर हम लगे रहे माननीय नेताजी की विचारधाराओं को गांव तक पहुँचाने का काम किया है। और माननीय नेताजी लोग कह रहे हैं कि अरुण राजभर का टिकट काट कर आपको MLC बनाया गया है, विरोध हो रहा था। माननीय नेताजी, माननीय नेताजी शुरू में कहा करते थे कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ता हूं, और यह MLC हमें बना के यह सिद्ध कर दिया कि एक गरीब के बेटा को अपने से ऊंची सदन में भेज के और समाज को बताने का काम किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आप काम करो, और कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम किया कि जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेगा, आने वाले समय में भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं उनको स्थापित करने का काम करेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया और उनके जवाब, उनके मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया, जो ओम प्रकाश राजभर को बिकाऊ कहते थे, जो ओम प्रकाश राजभर को कह रहे थे कि ये दलबदलू हैं, उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है और कहा है कि गरीब कमजोर को हम आगे बढ़ाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की संरचना किया है। ठीक है, मेरा सवाल एक और है कि MLC तो अब नए बन गए हैं, और दूसरी बात है कि लोग चुनाव जीतने के बाद, अच्छा MLC बनने के बाद बदल जाते हैं, तो आपका ऐसा तो नहीं होगा बिहार में? जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में अब तक जो मैंने मेहनत किया है, उससे दूना जोश और खरोश के साथ पार्टी को 2024 में दिल्ली पहुंचाने के लिए काम करूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक पार्टी में इसी जोश खरोश से काम करने का काम करूंगा। यानी पुराना होने का फायदा आपको मिला है? आज जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने पार्टी को आगे ले जाने का काम किया, माननीय नेताजी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम किया, उसकी एवज में माननीय नेताजी ने हमें ऐसा समझा, आशीर्वाद दिया, उनके लिए पार्टी और पार्टी को के कार्यकर्ता सहित माननीय नेताजी को हम बार बार बधाई देता हूँ कि पार्टी आज आने वाले 2024 के चुनाव में दिल्ली की पंचायत में पहुँचेगी। अरविंद राजभर यहाँ से MP का टिकट लेकर आए हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई आपको, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको? माननीय अरविंद राजभर जी को, माननीय नेताजी की विचारधारा को, बिच्छेलाल राजभर MLC दिल्ली की पंचायत में पहुँचाने के लिए अपने एक एक कतरे कतरे का लेके कार्यकर्ताओं के साथ माननीय अरविंद जी को दिल्ली पहुंचाने। आखिरी सवाल, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे, इतना जोश है, क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? आज हमारे कार्यकर्ताओं का जो जोश खरोश बढ़ा है, जो माननीय नेताजी ने हमारे जैसे गरीब, जो साइकिल से चलकर और माननीय नेताजी के कदम से कदम मिला के चलने का काम किया है, निष्ठा ईमानदारी से काम करने का काम किया है, उसके एवज में जो हमें MLC बना के अपने से उस सदन में भेज के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा कर दिया है। पूरे प्रदेश में, देश में जहां भी भारतीय समाज पार्टी का संगठन है, पूरे कार्यकर्ता जोश और खरोश से पार्टी के नेता की विचारधारा को दिल्ली पहुंचाने का काम। ठीक है, थे नवनिर्वाचित MLC, बता दें कि पीछे लाल राजभर जी, इनका कहना कि एक एक कतरा ओम प्रकाश राजभर के लिए रखूंगा। बता दें कि इनके साथ राम प्रवेश राजभर होलीपुर प्रधान जी हैं, रामेश्वर राजभर जी हैं, जो नथनपुरा के प्रधान जी हैं, स्वागत के लिए मौजूद थे। आपके क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज चैनल देखते रहिए।